Ma'am, normal force and the weight of a body are actually action-reaction pair or not? Oh, ये confusion तो हर किसी को रहता है. Let me explain. So let's take an example here, जहाँ पर table के ऊपर book रखी हुई है. ठीक है? अब सब बच्चे बोलते हैं कि book का weight और table का जो normal force लग रहा है, वो actually में action-reaction है. But ऐसा होता नहीं है. कैसे? Let me explain. यहाँ पर हम बात करते हैं book और earth की. Earth pull कर रही है book को अपनी तरफ action and book pull करती है earth को अपनी तरफ reaction. अब हम टेबल और बुक की बात करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, बुक नॉर्मल फोर्स लगाती है टेबल पर और टेबल नॉर्मल फोर्स लगाता है बुक पर. ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हुए. यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो ये कि वो समझ नहीं पाते एक्शन एंड रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर अप्लाई होते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम वेट और नॉर्मल की बात करते हैं, वो तो एक ही बुक पे अप्लाई होता है. दिस इज वाई वेट एंड नॉर्मल, ये दोनों फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. दैट इज वाई दे आर बैलेंस्ड. वी विल बी हैविंग एक्शन रिएक्शन पेयर डिफरेंटली बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल.